जो युवा 12वीं के बाद करियर को लेकर इधर उधर भटक रहे थे, उन युवाओं के लिए वो पल किसी चमत्कार से कम नहीं था, जब एक ही मंच पर दून के कई विशेषज्ञों ने युवाओं को आने वाले भविष्य के बारे में नई राह दिखाई। आपको बता दें कि दून के सेंट जोसेफ अकादमी में SGA एल्यूमिनी एसोसिएट्स और ग्राफिक एरा के सहयोग से देहरादून करियर कॉन्क्लेव सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रतिभागियों ने प्रतिभाग भी किया। इस अवसर पर कई युवाओं ने अपने विचार भी साझा किए। काफी अच्छा प्रोग्राम है ये, स्पेशली हम जैसे स्टूडेंट्स के बारे में, बिकॉज आजकल क्या होता है, यू गो टू ऑल द फील्ड्स, बट आपको नॉलेज नहीं होती कि 12th के बाद क्या करें, तो इसलिए ऐसे करियर कॉन्क्लेव स्पेशली ये वाला तो एक सेट दिमाग में, यू नो द प्लान इज क्वाइट क्लियर कि अब 12th के बाद क्या करना है, सो इट वाज क्वाइट बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस, दैट्स ऑल आई कैन से अबाउट दैट। हमारे स्पीकर्स काफ़ी अच्छे थे एंड SGA एलुमनाई एसोसिएशन के लिए हम थैंकफुल हैं कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज करवाया, एंड प्रोग्राम बहुत अच्छा था एंड ऑल द स्पीकर्स हु वर देयर, दे वर प्रीटी वेल एजुकेटेड अबाउट व्हाट दे हैव टू स्पीक एंड सो दे वर गिविंग अस अ वेरी बेनिफिशियल आइडिया ऑफ व्हाट वी हैव टू डू आफ्टर द आफ्टर क्लास 12th। SGA और ग्राफिक एरा ने कम्बाइन कोर्स करके फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग किए, जिससे 12th के स्टूडेंट्स आफ्टर 12th को जो कोर्सेस चूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये अच्छी इनके एक पहल है और सब लोग इसमें पार्ट ले रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। इस अवसर पर कई संस्थानों के स्टॉल भी लगाए गए थे, जो कि युवाओं को करियर के बारे में और अपने संस्थान के बारे में जानकारी दे रहे थे। आई थिंक दिस ये जो प्रोग्राम है काफ़ी यूजफुल है, जो स्टूडेंट्स बेसिकली जो 10+2 जिन्होंने किया है, जिनको अभी आई थिंक जो कॉलेजेस जो सेलेक्ट नहीं कर पा रहे बच्चे, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी, मैं समझता हूँ कि स्पेशली जैसे हम लोगों का है डिफेंस का है, ठीक है, जो बच्चे अपना कैरियर चाहते हैं डिफेंस के लिए, तो उनको यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं देखने को, क्या है क्या नहीं है, एवरीथिंग्स मोटिवेट को हम ये करते हैं बेसिकली, हम उनको पूरी डिटेल समझाते हैं कि बेसिकली आप लोगों को डिफेंस ज्वाइन करने से क्या बेनिफिट है, या मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने से क्या बेनिफिट है, तो उसके एक हम कैरियर काउंसलिंग करते हैं बच्चों की। हमारे पहाड़ में उत्तराखंड के लिए ओवरसीज़ एजुकेशन के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, बच्चा जो इंडिया से बाहर पढ़ना चाहता है चलने के लिए इच्छुक बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन उनको कोई ऑप्शन नहीं मिलता, हम बच्चों को यहाँ से बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, हम बच्चे की पूरी हेल्प करते हैं, उसका एडमिशन करवाते हैं, एंट्रेंस के लिए एग्जामिनेशन होते हैं उसकी तैयारी करते हैं, IELTS, TOEFL, GMAT, GRE, इवेंचुअली बच्चे का वीज़ा भी हमें लगाते हैं और उसको वहाँ जाने के बाद भी सपोर्ट करते हैं। After 10+2 we are having lots of courses, they are related with management, agriculture, IT, life sciences, hotel management. After 10 they can do a polytechnic diploma. Then we are having lots of courses, like we are running around 55 courses in our institute. संवाद 365 के लिए देहरादून से कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ श्रवण सेमवाल की रिपोर्ट।